हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन काल में बौद्ध संगीतियाँ कब और किस स्थान पे आयोजित की गई तथा उस समय उनकी अध्यक्षता किसने की तथा यह जो बौद्ध संगीतियाँ थीं वे किस शासकों के संरक्षण में आयोजित की गईं। तो बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई। उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा उस समय इसको संरक्षण दिया था हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु ने। फिर द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो यह आयोजित किया गया था 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। इस समय इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी तथा उस समय इस संगीत का संरक्षण प्रदान किया था शिशुनाग वंश के कालाशोक ने। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया था। फिर बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीत की। तो तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई तथा उस समय इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी तथा इसका संरक्षण मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था। फिर बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत की। तो यह ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया तथा यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। उस समय इसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने की थी। और जो शासक थे वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक कुषाण कनिष्क थे जिन्होंने इस चतुर्थ संगीत का संरक्षण प्रदान किया। शासकों के नाम हम इस प्रकार याद करेंगे: अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक, कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक, अशोक मौर्य वंश के शासक, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षों के नाम याद करने के लिए हम लोग एक एक्रोनिम का यूज करेंगे: मसुमो वसु, मा से महाकश्यप, सु से सुबुकामी, मो से मोगली पुत्र तिस और वसु से वसुमित्र अश्वघोष। फिर स्थानों को हम इस प्रकार याद करेंगे: राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ स्थित है? कश्मीर में। फिर हम देखते हैं कि जो स्थान है वो शासकों की राजधानियाँ थी, यानी कि जो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी, कालाशोक की राजधानी वैशाली थी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, कनिष्क की राजधानी कुंडलवन थी। समय को याद करने के लिए हम लोग एक सन को याद करते हैं, 483 ईस्वी पूर्व। फिर उसके 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में, फिर उसके लगभग 140 वर्ष बाद 247 ईस्वी पूर्व में, और जो चौथा हुआ वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। तो इस प्रकार हम इन तथ्यों को याद रखेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।